saranews.com। आगाज हमारी, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं पारितोष श्रीवास्तव saranews.com पर आज के सितारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भोजपुरी संगीत के इतिहास में नई मुकाम हासिल करने जा रही हैं, और उनका नाम है चंदा सोनी। saranews.com के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, एंड saranews.com में देखती हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस काबिल समझा कि saranews.com में मुझे बुलाए। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि आपकी एक एल्बम आ रही है, उसका नाम है पिया के प्यार। वो एल्बम कुछ खास कैसे है, आपको कैसे लगता है कि वो खास है और वो लोगों को पसंद आएगी? एक्चुअली क्या है पारितोष जी, मैं आपको बता दूं कि आजकल का जो भोजपुरी का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बहुत से फूहर गीत मार्केट में बज रहे हैं, और हम चाह के भी भोजपुरी से प्यार तो करते हैं, लेकिन चाह के भी अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ उस गाने को सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही गंदे किस्म के शब्द होते हैं। तो हमारी एल्बम जो मार्केट में आ रही है, लोगों को इस भीड़ भरे माहौल में और इस गंदगी के माहौल में सुकून देगी, क्योंकि जो उसके उच्चारण है, जो उसकी शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो उच्च क्वालिटी के हैं, भोजपुरी के ही हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा लोगों को सुनने में आई थिंक। तो ये मानना चाहिए कि भोजपुरी के इतिहास में एक नया प्रयास कहा मेरे हिसाब से तो प्रयास किया गया है, मैंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, और हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस पूरे एल्बम में, और मेरे हिसाब से तो है कि आएगा तो शायद धमाल मचाए, अब बाकी पब्लिक जो इसको सम्मान दे। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कैसे लगा कि आप एक भोजपुरी एल्बम को क्रिएट कर पाएंगे और उसे लोगों को दिखा पाएंगे उस तरह से, जो आप प्रूफ करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, आपको ये कैसे लगा, आप कैसे महसूस करती हैं इस चीज़? एक्चुअली मैं गाने सुनती थी, भोजपुरी गाने जो पुराने गाने मैं सुना करती थी, जैसे कि छोरी पतर की रे, आपने सुना भी होगा, सुना। और इस गाने के बोल भी अच्छे लगते थे, या फिर अलका याग्निक बेन ने भी भोजपुरी गाने गाए हैं, ये सब जो गाने रहते थे काफ़ी सुंदर रहते थे और काफ़ी अच्छे रहते थे, मज़ा भी आता था और बोल भी उच्च क्वालिटी के रहते थे। तो अभी के जो गाने हैं, एक तो इतना ज़्यादा साउंड इफेक्ट यूज़ होता है कि गाने का पता नहीं चलता, सिर्फ म्यूज़िक पता चलता है, और बोल इतने फूहर होते हैं कि अब क्या बताएं। नहीं, भोजपुरी में तो ये बात मैं भी देख पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली उन लोगों को खराब नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं खुद अपने समाज भोजपुरी को, जैसे जिस दृष्टिकोण से मैं, चूंकि मैं भी भोजपुरी से हूँ और भोजपुरी जानता हूँ, समझता हूँ, तो भोजपुरी के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि जो अभी के समय में जिस तरह से लोग फिल्में बना रहे हैं, एल्बम्स बना रहे हैं, तो उसमें जिस तरह की जो कल्चर की बातें होती है, वो कल्चर अब कहीं मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा ये है। तो क्या आप अपने एल्बम में बिल्कुल इस चीज को दरकिनार करने जा रही हैं फिर? तो मैं दरकिनार नहीं कर रही हूँ, आपको कहने का मतलब कि आप आम, आपके सामने दे दिया गया आम पका हुआ है, आम को आप छील के खा लो, आम को रस बना के पी जाओ, जैसे खा लो, आम है वो, उसी हिसाब से भोजपुरी शब्द है, आप उसको ऐसे इस्तेमाल करो ताकि वो अच्छा लगे आपके पास जाते जाते, उसकी तासीर जो हो, उसकी क्वालिटी जो हो, वो बहुत ही टेस्टी हो जाए। तो ये यूज़ करने का अपना अपना नज़रिया है, और उसी चीज़ को पता नहीं मार्केट में लोग कैसा परोस रहे हैं, कुछ खास वर्ग को अच्छा भी लग रहा है और बहुत कुछ खास वर्ग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा नज़रिया है कि मैं जो चीज़ मार्केट में दूँ वो बेस्ट क्वालिटी का हो और अच्छा लगे लोगों को सुनने में। सही बात है, चलिए हमारी saranews.com की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई कि आप इसमें कामयाब हो, आपकी जो प्रयास है वो सफल हो। धन्यवाद चंदा सोनी जी, आप मेरे स्टूडियो में आई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं अपने एल्बम का एक छोटा सा जी बिल्कुल, चूँकि मैं आ ही चुकी हूँ और जो saranews.com मुझे देख रहा है, क्योंकि सोशल साइट पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और मेरे बहुत शेरो शायरी गज़ल्स ये सब पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो उसमें कहानी भी कुछ ऐसे है, पिया के प्यार मेरे एल्बम का नाम है,
तो प्यार के बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को करने का। तो एक गांव में ये प्यार पनपता है एक लड़की के दिल में, और कैसे अंततः वो प्यार खत्म होता है। ये गांव की एक स्टोरी लाइन पे है, गांव की एक स्टोरी लाइन है, और स्टोरी लाइन में कहानी भाई गाने आते रहते हैं। तो मैं इसमें का सबसे सुंदर सा एक गीत गुनगुनाना चाहूंगी आपके सामने। हमरो बलम जी के बोली बाटे मीठ सखिया, नाक बाटे छुरी नियन काला काला मूछ सखिया। और ये गांव की औरतें झूमते हुए एक सहेली गाती है और काफी सुंदर बन पड़ा है। आई थिंक आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और काफी शुभकामनाएं हमारे तरफ से है, हमारे sarangnews.com की तरफ से भी है। आपका एल्बम ये कब तक आ जाएगा? ये एल्बम दिसंबर तक आ जाना चाहिए, दिसंबर तक आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ चंदा सोनी जी। हम आगे भी आज के सितारे कार्यक्रम में किसी न किसी खास सितारे के साथ गुफ्तगू करते नजर आएंगे। आप देखते रहे sarangnews.com। नमस्कार। देख रहे हैं sarangnews.com। आगाज हमारी, आवाज आपकी।